एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आज है 22 तारीख जनवरी का, तो वापस जा रहे हैं बैंगलोर। 8:30 हो रहा है, अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं। एक एक करके सामान उतार लेते हैं, फिर दोनों को लेकर निकलते हैं। अभी 9:05 बचा है, मैं जा रही हूँ पार्सल ऑफिस ब्रूनो का टिकट करवाने के लिए। जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी टाइम बहुत है। ट्रेन का टाइम है 10:50। यहाँ पे पार्सल ऑफिस में मुझे शो करना पड़ेगा हम लोगों का टिकट का जेरोक्स। बुकिंग के टाइम पे जो पेज वहाँ पे जनरेट होता है उसी का प्रिंट आउट लाई हूँ मैं, और साथ में जर्नी के 2 घंटे पहले जो आपके पास सीट नंबर ये सब आ जाता है, कूप नंबर बेसिकली, सो वो मैसेज मेरे पास आ गया है। वो मैसेज आने के बाद ही आपको जाना पड़ता है डॉक के टिकट के लिए। तो वो टिकट, आधार कार्ड जेरोक्स, ब्रूनो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड फिट टू ट्रेवल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें लेकर मैं अभी जा रही हूँ पार्सल ऑफिस। तो वो रहा पार्सल ऑफिस वहाँ पे। हो गया, मिल गया मुझे ब्रूनो के लिए टिकट। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ। 21 या फिर 22 में ट्रेन आएगी, तो अभी टाइम हो रहा है 9:17। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, वहाँ पे मुझे ब्रूनो का टिकट करने के लिए मुझे लगा 1004 रुपीज़। वो रहा उन लोग वहाँ पे, चिंते बातचीत ना मके, चिंते बातचीत ना, अरे बाबा अली बाबा, यहाँ पे बाबा भी आए हैं। ब्रूनो वहाँ पे पापा के साथ थोड़ा टहल रहा है। पापा के साथ ब्रूनो नीचे है, ये सब रख के फिर जाएंगे ब्रूनो को लाने। अरे बाबा, ब्रूनो को लग रहा है कि पापा जा रहे हैं, वो अलग ही मूड में है। हम लोग अभी अंदर आके बैठ गए, सेटल डाउन हो गए, पापा भी आके बैठ गए, लेकिन पापा थोड़े देर में फिर उतर भी जाएंगे। थोड़े देर में आप उतर जाओगे ना, वही बोल रहे हैं। एकदम स्टार्ट होगा, हम रनिंग कर जाएंगे। रनिंग नहीं, उसके पहले उतर जाओगे, कोई तकलीफ नहीं। हम लोग का ट्रेन छोड़ दिया, बिल्कुल राइट टाइम पे छोड़ दिया। कल एज पर द टिकट टाइमिंग है 4:20 PM अराइवल टाइम, तो देखते हैं कब पहुंचेगा ट्रेन। अभी 11:41 हो रहा है और हम लोग तीनों ऐसे ही चुपचाप से बैठे बाहर देख रहे हैं और घर के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रूनो को हम लोगों ने थोड़ा क्लीन कर लिया, बेसिक क्लीनिंग TT आया है। वो TT आए थे तो टिकट चेक करके चले गए, और जो भी आ रहा है दरवाजे के पास, एज यूजुअल ब्रूनो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि 4 महीने बाद कल घर जाएंगे, पहुंचेंगे, तो घर का हालत क्या होगा, बहुत धूल होगा, कॉकरोच वॉकरोच सब मिलेगा। वही सोच रहे अभी बैठ के, कॉकरोच और स्पाइडर पूरा खेती है, पूरा खेती रहता है उनका। तो हम लोग वो वर्क डिवाइड करें, तुम ये करोगे मैं ये करूंगी। सबसे टफ चीज किचन डॉडी के हवाले, किचन वो मैं कर लूंगी, झाड़ू पोछा। और मैंने कहा कि तुम इसको नहलाने का काम सबसे पहले करना, इसको नहला ला और झाड़ू पोछा वो मैं कर लूंगा। हाँ ब्रूनो, अभी टाइम हो रहा है 4:45 एंड अभी आ रहे भुवनेश्वर फर्स्ट स्टॉप आफ्टर हावड़ा। एंड ब्रूनो एंड बनी दोनों जाने वाले हैं नीचे, बिकॉज ब्रूनो के लिए।
रहे थे? हाँ, ट्रेन 25 मिनट से लेट चल रहा है। ब्रूनो समझ गया कि वो नीचे जाने वाला है। पापा तो मास्क पहन रहे। ब्रूनो पी करना है, पी। शाम के बाद अभी डायरेक्टली अभी इस टाइम पे मिल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:50 एंड फिर से इन लोग दोनों नीचे गए हैं। और ये अभी स्टेशन है कि विजयनगर ऐसा कुछ नाम है, विजयवाड़ा नहीं। तो यहाँ पे टाइम ट्रेन बहुत बिफोर टाइम पहुँच गई है। तो इतने देर तक ट्रेन लेट जा रहा था, बीच में बहुत अच्छा गया ट्रेन, बिफोर टाइम है। यहाँ से ट्रेन छूटेगी 10:15 को। तो अभी इसमें बाहर घूम रहे हैं। ब्रूनो ने बेचारे इसको डरा दिया, बेचारा ये डर गया। गाइज गुड मॉर्निंग एंड अभी बज रहे सुबह के 8:15 एंड इन लोग दोनों यहाँ पे सो के व्यू का मजा ले रहे हैं। कल ब्रूनो को लेके जब उन लोग नीचे गए उसके बाद और मैं व्लॉग नहीं की, हम लोगों ने खाना खाया, डिनर किया और पूरा शाम से लेकर ऑलमोस्ट तब तक ना बनी 10 बजे तक हम लोग इनसाइड एज देख रहे थे, डाउनलोड करके लाए थे सीजन 3। वो देखते देखते लेट हो गया बहुत, फिर सो गए एंड अभी इसलिए आप सबको जाके बोल रहे गुड मॉर्निंग। ब्रूनो कम फूडू, कम फूडू। ब्रूनो इज हैविंग एग। ट्रेन छोड़ने वाली है, हम लोग आ गए ऊपर, थोड़ा नीचे जाके थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगा, थोड़ा धूप में थोड़ा सेक के वो जो दर्द हो गया था ना बॉडी, तो वो थोड़ा रिलैक्स कर, वो जो एक पग है छोटू सा उसको ये डराया जा रहा, खाली ये फ्रेंडशिप करना चाहता है लेकिन उसका फ्रेंडशिप का तरीका ऐसा है कि सामने वाला डर जाएगा। ट्रेन हेब्बर स्टेशन में रुका हुआ है, बहुत देर पहले बैंगलोर घुस गया। 2:51 PM को हमने नोटिस किया कि ऑलरेडी बैंगलोर एरिया में ट्रेन आ चुका है, तो हम लोगों ने सोचा शायद 3:30 तक ऑलरेडी पहुंच जाएगा यशवंतपुर। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने ऑटो भैया को कॉल किए कि भैया आप आ जाइए, हम लोगों का ट्रेन शायद बिफोर टाइम है, पर भैया आ चुके हैं और एज यूजुअल ट्रेन यहाँ पे बहुत रुकते रुकते जा रहे हैं, वो अपने टाइम पे ही पहुँचेगा, दैट इज 4:20 PM द करेक्ट टाइम। हम लोग यहीं पे हेब्बर स्टेशन पे उतर गए, तो हम लोगों का ऑटो भैया जिनको कॉल किए थे वो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं यहाँ पे, 8 किलोमीटर है यशवंतपुर यहाँ से, तो वो जल्दी आ जाएंगे। और यहाँ से हम लोग का घर बनी ने कहा कि टाइम कम लगेगा, तीसरी यहाँ पे उतर गए हम लोग। तो फिर भी हम लोग श्योर नहीं थे, हम लोग सोचे थे कि एंड तक ही जाएंगे, फिर ऑटो भैया ने कॉल किया कि आप लोग क्या उतर सकते हेब्बर में, क्योंकि 8 किलोमीटर में आ जाऊँगा। तो हम लोग बोले हम लोग पहले उतर जाते फिर आप आइए, तो जब भैया ही बोला कि आप लोग उधर सकते हो तो मैं आ जाऊंगा, तो हम लोग सोचे और सोचना नहीं है, उतर जाओ जल्दी जल्दी। तो फोन में बात करते करते मैं बैग लेना शुरू कर दी, मैं व्हाइट फील्ड जब देखा तभी बैग पैक पैक करके हम लोगों ने रख दिया, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ लेके हम लोग आ गए अंदर। तो निकल सकते हो करता हूँ पकड़ ड्रामेबाज। घर पहुंच गए, अभी टाइम हो रहा है 5, अगर यशवंतपुर होके आते बने अभी तक घर नहीं पहुंचते। हाँ अभी भी शायद ऑन द वे ऑटो में होता। घर आके मैं देखी तुलसी देवी में थोड़ा थोड़ा पत्ता है और शायद तूफान हुआ था, ये सब बुड़क गए हैं और ये सब गया, 4 और 5 जेट प्लान था वो भी गया। आप लोग वीडियो में शायद समझ नहीं पा रहे हो लेकिन बहुत ही बेकार हालत है घर का, बहुत कचरा हो रहा है। मनी फैन ऑफ करो बाबू, पूरा फैल जाएगा। ये देखो क्या हालत है, मकरी जाल
फ्रिज में तो उधर क्या हुआ है? डैम्प हो गया, पता नहीं इतना डैम्प क्यों आया। फंगस हो गया, फंगस। ये देखो बनी, फंगस फ्रिज में, फंगस कैसे हो गया? ये सब क्या हो गया अंदर? वो बेकिंग सोडा से मैं फ्रिज को पूरा क्लीन करके गई, पूरा फ्रिज को। यहाँ पे जो फिश रहते, ये सब डब्बा, हर एक डब्बा साबुन से नींबू से साफ किया हुआ है। फ्रिज मैं पूरा एक एक करके निकालूंगी। नहीं कुछ चाहिए नहीं, लेकिन बेकिंग सोडा गर्म पानी करूंगी, गर्म पानी से मैं साफ करूंगी पूरा। तो चलिए हम लोग बाद में फिर मिलते हैं, अभी फिलहाल क्लीन करते हैं, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं, पता नहीं कब तक क्लीन हो पाएगा।